पंजाबी रेडियो यूएसए पेश करता है आज दा दिन सिख इतिहास विच। सिख इतिहास दीयां घटनावां च 12 दसंबर दा दिन 1705 छोटे साहिबजादे नीहां च चिणे गए। सहेड़ी पिंड च गिरफ़्तार होने मगरों 8 दसंबर नूं माता जी ते साहिबजादियां नूं सरहंद हुण फतेहगढ़ साहिब पहुँचाया गया ते सूबा वजीर खान कोल पेश कीता गया। सूबेदार ने उन्हां नूं किले दे ठंडे बुरज विच कैद कर दिता। यह बुरज चारे पासयां तों खुला सी। वजीर खान सूबेदार ने दोहां बच्चों नूं मुसलमान बनाउण वास्ते लालच दिते ते धर्म ना छड्डन ते मौत की धमकी भी दिती। माता गुजरी की गोद में पले गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र धर्म ना छड़न कारण शहीद किए दादे गुरु तेग बहादुर साहब के पोते धर्म किवें छड़ सकते सन, पर जालम सूबेदार नूं इह मंजूर नहीं सी। उसने उन्होंने कतल करन दा हुक्म जारी कर दिता। इस मौके मलेरकोटले का नवाब मुहम्मद शेर खां भी उत्थे हाजिर से। उसने वजीर खान समझाया कि मासूम बच्चों नूं कतल करना शरा यानी इस्लामी कानून मुताबक भी गलत है। इसते वजीर खान ने कहा कि यह उस गुरु गोबिंद साहब के पुत्र ने जिसके तीर ने सिर्फ एक दिन पहला 7 दसंबर 1705 के दिन चमकौर की गढ़ी तो तीर मार के तोरे खां नार खां जो चमकौर साहब से हमला करने वाली फौज का मुखी से मारिया। इसते शेर खां ने कहा कि मैं अपने भरा का बदला गुरु गोबिंद सिंह साहब तो लवांगा, मैं पठान हाँ तो पठान बदला दुश्मन के मासूम बच्चों तो नहीं लैंदा। यह सुन के वजीर खान के एक चौधरी सुचानंद ने उसनों भड़काया तो कहा कि सप के बच्चे सप ही होंगे ने, इन्हों का सिर फेना ही वाजब है। इस भड़काहट से वजीर खान ने दोहां साहबजादियों कंध में चिण देने का हुक्म जारी कर दिता। वजीर खान ने साहबजादियों दो दिन का मौका होर दिता। अखीर 12 दसंबर को उन्होंने एक कंध बना के उस चिण दिता गया तो कंध पूरी नहीं सी हुई कि वह टह गई। साहबजादे बेहोश हो चुके सन पर अजे जिंदे सन। उन्होंने इसे हालत च तलवार नाल शहीद कर दिता गया। 1923 मुंडेर साके च दो बब्बर बंता सिंह धामिया ज्वाला सिंह शहीद बब्बर वरियाम सिंह धुग्गा बच निकलिया। मुंडेर का जगत सिंह बब्बर अकालिया नाल नेड़ता रखता सी। वह नीयत दा बेईमान सी। एक बार उसने हजारा सिंह नां दे एक साथी तो रिवालवर लिया ते फिर उसनू कह दिता कि वह चोरी हो गया। हजारा सिंह ने पुलिस कोल शिकायत की तो उसनू गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस की मार दौरान उसने बब्बर अकालिया नाल भी अपने संबंध मान लै ते रिवालवर भी बरामद करवा दिता। पुलिस ने उसनू इस शर्ते छड़ दिता कि वह बब्बर नूं गिरफ़्तार करवाएगा। 12 दसंबर 1923 का दिन बंता सिंह धामिया ज्वाला सिंह शहीद वरियाम सिंह धुग्गा तिने चोटी के बब्बर उसके घर पुजे। उसने उन्होंने रोटी पाने का इंतजाम किया तो उन्होंने आराम करने वास्ते कह दिता। आप वह खेतों काम करने के बहाने बाहर निकल गया तो जलंधर छौनी जनरल फिट्स नूं खबर देती। दोपहर तक डीसी जैकब ते सुपरडेंट पुलिस सैकड़े अंग्रेज़ फौजां ते दो मशीन गन्ना लैके उत्थे पुज गए तो पिंड नूं सारे पासे तों घेरा पा लिया ते सारे पिंड वासियों नूं पिंड तों बाहर फिरनी ते आ जाण वास्ते हुक्म किया। जद भाई दौड़ की आवाज़ बब्बरां नूं सुनाई दित्ती तो उन्होंने बाहर निगाह मारी। जद उन्हां सारे पिंड नूं फौज का घेरा पिया वेख्या तो उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा थोड़ा मुकाबला करके फौज नूं हनेरा पैण तक उलझाई रखा जाए तो हनेरे की ओट च निकलण की कोशिश की जाए। इस दे नाल ही तिने बब्बर जगत सिंह दे घर चों निकल के नाल लगदे बेअंत सिंह मिस्त्री दे घर च जा वड़े ते चुबारे च पहुँच गए ते पोजीशनां लै लईआं। डीसी जैकब ने हद दे स्पीकर तों उन्हां नूं कहा कि तुसीं सारे पासे तों घिर चुके हो, इस वास्ते अपने आप नूं फौज दे हवाले कर दिओ। जदों अजे बोल ही रहा सी तां इक बब्बर ने उस वल गोली चलाई। वह बच तां गया पर उस मगरों फौज ने उन्हां ते गोली चलाउणी शुरू कर दित्ती। बब्बर रुक रुक के गोली चलाउंदे रहे। जद फौज ने वेख्या कि कामयाबी नहीं मिल रही तां उन्हां ने बेअंत सिंह मिस्त्री दे मकान नूं अग ला दित्ती। पहला तो बब्बरों को अग का पता ही ना लगा। जब धुआं बहुत उठा तो वह बाहर निकल आए। बंता सिंह धामिया ते ज्वाला सिंह शहीद मुरले दर विचों निकले ते निकलदे मशीन गन के फायर नाल छलनी हो के शहीद हो गए। वरियाम सिंह धुग्गा ने पिछले पासे छलांग मार के भजन की कोशिश की, उत्थे भी फौजी खड़े सन। वरियाम सिंह धुग्गा ने उन्हां उत्ते फायर किया। जब एक सिपाही गोली नाल जख्मी हो गया तो बाकी फौजी ओट लभण वास्ते दौड़े। इन्हे च वरियाम सिंह हनेरी की ओट लैके बच के निकल गया। 12 दसंबर 1987 के दिन पंजाब पुलिस ने गुरचरण सिंह उर्फ चढ़दी कला राजोवाल गुरदासपुर एक नकली मुकाबले शहीद किया। 1987 अकालिया वालों सरकार नाल गलबात वास्ते पहला 5 नुकते मने जाने की शर्त रखी गई। सिखा उत्ते हो रहे धक्के विरुद्ध हुण अखौती मॉडरेट सिखा ने भी जबान खोलनी शुरू कर दिती सी। 12 दसंबर 1987 के दिन सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बयान दिता कि सेंटर सिखा विच अपना गुआचिया वकार ते इतबार बहाल करे। उन्होंने सेंटर नाल गलबात वास्ते 5 मंगां दी पहलों पूर्ति करवाउण दी शर्त रखी। इह नुकते सन, पंजाब च पूरी आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाए, झूठे मुकाबले बंद किए जाण,
दिल्ली ते होर थावां ते सिखां दे नवंबर 84 दे कातलां नूं सजावां दित्तियां जाण, काले कानून मनसूख किए जाण, धर्मी फौजियों की बहाली की जाए। उन्होंने उस वक्त यह भी कहा कि हुण तक सिखां दी कोई भी मंग नहीं सी मन्नी गई। ये सिख इतिहास दीआं घटनावां च 12 दसंबर का दिन।